जिला मुख्यालय धर्मशाला में कांग्रेस ने आज बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ केंद्र व प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर विशेष रूप से उपस्थित रहे। वहीं जिला से संबंधित वरिष्ठ नेताओं ने भी उपस्थिति दर्ज करवाई है। इस दौरान केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कार्यालय से डीसी ऑफिस तक गले में प्याज की मालाएं डालकर और थालियां बजाते हुए मार्च निकाला। डीसी ऑफिस पहुंचने पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान कांगड़ा के विधायक पवन, पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल, पूर्व सांसद चौधरी चंद्र कुमार, पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ नेता भी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि विपक्ष का काम सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करना है। हमारा संघर्ष अंजाम तक पहुँचेगा। हम भाजपा की नकल नहीं कर रहे हैं। हम झूठ प्रेरितहीन की राजनीति नहीं करते। कांग्रेस पार्टी एकजुट है, ये हमने दिखाया है। बड़ी पार्टी में छोटे मोटे मतभेद चलते हैं। आज तो नारे लग रहे हैं वो दर्शाते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। नारेबाजी को मैं सकारात्मक दृष्टि से देखता हूँ। धर्मशाला चुनाव इसलिए हारे क्योंकि अंतिम समय में नया प्रत्याशी देना पड़ा था। हम भाजपा से नहीं बल्कि सरकार से हारे हैं। हमने सरकार को दिन में तारे दिखाए हैं जबकि सरकार ने धन बल का प्रयोग किया। आगामी दिनों में हम ब्लॉक स्तर पर भी प्रदर्शन करेंगे और आने वाले दिनों में कांग्रेस जुझारू संगठन में नजर आएगी। जब तक हम पीएम नरेंद्र मोदी और जयराम ठाकुर को सत्ता से नहीं हटाते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। कांग्रेस पार्टी संगठित है, आपको दरारें नजर आएंगी तो वो भाजपा में। इन्वेस्टर मीट में केंद्रीय मंत्री को नहीं बुलाया गया। सीएम के गृह जिला 80 वर्षीय वृद्धा से जो व्यवहार किया गया वो निंदनीय है। हम मांग करते हैं कि आरोपियों पर कार्रवाई हो। इन्वेस्टर मीट मेला बनकर रह गई, इसका फायदा होने वाला नहीं है। पूर्व मंत्री एवं AICC सचिव सुधीर शर्मा ने कहा कि आज के प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने दिखा दिया कि उनमें कितना उत्साह है। कार्यकर्ताओं द्वारा अपने नेताओं के पक्ष में सुधीर को लेकर सुधीर ने कहा, गुटबाजी नहीं है बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ता है, मतभेद हो सकते हैं लेकिन गुटबाजी नहीं। महाराष्ट्र व उड़ीसा राज्यों की तर्ज पर हिमाचल के थिएटर्स में पहाड़ी फिल्म के लिए एक शो फिक्स किया जाए। ये मांग अमेजिंग मोशन फिल्म्स की बैनर तले बनने वाले रिश्ते दिल से पहाड़ी फिल्म के निर्माता प्रोड्यूसर अजय शर्मा, डायरेक्टर सुरेंद्र पनियारी, चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर राकेश पनियारी और एडवाइजर बिमल कपूर ने संयुक्त प्रेस वार्ता में उठाई है। अजय शर्मा ने बताया कि रिश्ते दिल से पहाड़ी फिल्म 1 करोड़ से बनेगी जिसके लिए सभी कलाकार हिमाचल के लिए जाएंगे। निर्माता अजय शर्मा और निर्देशक राकेश पनियारी ने बताया कि जिस तरह से अन्य राज्यों के थिएटर्स में प्रादेशिक भाषा की फिल्मों में एक शो फिक्स किया गया है, ऐसे में हिमाचल सरकार को भी इस दिशा में प्रयास करते हुए फिल्म मेकर्स का मौका देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार की ओर से रिस्पांस अच्छा रहता है तो पहली फिल्म की रिलीज के साथ ही दूसरे प्रोजेक्ट की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि फिल्म में कलाकारों के चयन के लिए ऑडिशन पॉलिटेक्निकल कॉलेज कांगड़ा में 1 दिसंबर से शुरू किए जाएंगे, 20 दिसंबर तक शूटिंग शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग प्रदेश में ही होगी तथा जिला कांगड़ा में शूटिंग के लिए मैक्लोडगंज नड्डी, सली महाकाल और बीड बिलिंग में साइट फाइनल की गई है। राकेश पनियारी ने बताया कि फिल्म में लव स्टोरी, कॉमेडी और युवाओं में बढ़ते नशे के प्रचलन को दिखाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 1.5 माह में शूटिंग पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि मार्च के अंत या बैसाखी तक इस फिल्म को रिलीज कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं हिमाचल प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व सांसद शांता कुमार ने कहा कि राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किसी से किसी एक पक्ष को इंसाफ देने वाला नहीं है बल्कि पूरे भारतवर्ष को इंसाफ मिला है। ये पूरे भारतवर्ष की जीत है। भारत की सबको साथ लेकर चलने की संस्कृति है, उसी के आधार पर यह फैसला लिया गया है और पूरे भारत की जीत है। सुप्रीम कोर्ट के माननीय 5 जजों ने बहुत गंभीरता और सोच समझ कर निर्णय लिया है जिसको सब लोग मानेंगे, ऐसा विश्वास है।
राम मंदिर बनने की देश के करोड़ों लोगों की इच्छा पूरी होगी, जिसकी बहुत प्रसन्नता है। इस फैसले के लिए भारत के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। शांता कुमार ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के समर्थन में पहला प्रस्ताव 1999 की भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में पालमपुर में ही रखा गया था, इसलिए प्रदेश की जनता के लिए आज का ये दिन खास है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को दोहरी खुशी मिली है, एक इन्वेस्टर मीट प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, दूसरा राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है।